नमस्कार, आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में। तो आखिर यह ओव्यूलेशन इंडक्शन होता क्या है? ओव्यूलेशन इंडक्शन में अगर महिला की अंडेदानी में फॉलिकल नहीं बन पा रहे हैं, उसकी जो महीना है या मासिक है वह इररेगुलर है, देर देर से आता है, इन महिलाओं की अगर मैरिज की जो ड्यूरेशन है कम है और उसकी उम्र 35 वर्ष से भी कम है, तो इन महिलाओं को हम अंडा बनने की दवाइयाँ देते हैं जो 5 दिन के लिए दी जाती है। और उसके बाद जैसे कि महिला का जिस दिन पीरियड शुरू होता है, पीरियड के 2 दिन से 5 दिन के बीच में हम ये टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अराउंड 12th day को उनको बुलाया जाता है फॉलिकल की ग्रोथ देखने। अकॉर्डिंगली फॉलिकल साइज को मॉनिटर किया जाता है, और जब फॉलिकल का साइज 18 से 20 mm का हो जाता है तब महिला को रप्चर इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर उनको एडवाइस किया जा सकता है उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कि उनको नॉर्मल ट्राई करना है या IUI की प्रक्रिया उन पे की जानी चाहिए। तो आज हमने बात की है ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में।